राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ में छत्तीसगढ़ में इस वक्त हैं और कोरबा में आज जब उनकी यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे गूंज गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। राहुल ने भी कार्यकर्ताओं को निराश न करते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर रुककर बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए फ्लाइंग किस भी दिया। ये तस्वीरें आप देखें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। ये तस्वीरें आप देखें कोरबा पहुंचे राहुल गांधी की न्याय यात्रा, इसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यात्रा को उत्साह के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज दिखाते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए, रुके उतरे, हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फ्लाइंग किस दी, हाथ भी मिलाए। चलिए हमारे सहयोगी धीरज दुबे इस वक्त कोरबा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धीरज, राहुल की यात्रा पर सारे देश में कांग्रेसियों को बड़ी उम्मीदें, आज क्या हुआ, इस यात्रा के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, बताएं। देखिए, राहुल गांधी अपने अनोखा अंदाज के हमेशा जाने जाते हैं, चाहे वो ट्रक में बैठकर किसी की बात करने या किसी सफर करने की बात हो या किसी गरीब मजदूर आदमी से बैठकर बात करने की, उनके साथ खाना खाने की बात हो। आज उन्होंने कोरबा में किया वो चर्चा का विषय बन गया है। जब राहुल गांधी का काफिला जो है कोरबा से दबी को जा रहा था, उसी बीच में ढोड़ी पारा के पास में यहाँ पे जो कोसाबाड़ी भाजपा के मंडल पे विरोध प्रदर्शन करने खड़े हुए थे और वहां पे मोदी के लगातार नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी जब दूसरे उनको भगवा झंडा देकर खड़े देखा और नारेबाजी कर देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकवाई, उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद उनसे हाथ मिलाया और उनको फिर बाद में अभिवादन करते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठे और उनको फ्लाइंग किस दिया। तो उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नफरत के बाजार में जो मोहब्बत का पैगाम है वो लगातार जारी रहेगा और इस तरह से वो आगे बढ़ गए। और आज जो राहुल गांधी ने अपने दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और अपने पिता श्री राजीव गांधी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया, साथ में उन्होंने कोरबा से 140 किलोमीटर लंबी यात्रा आज वापस से चालू की है। उनका काफी देर रात भैंसमा पहुंच चुका था कोरबा के और आज से वापस सीतामढ़ी सिंह काफी चालू हुआ है जो मुर्गा होते हुए सूरजपुर जिले में एंटर कर जाएगा। चलिए धीरज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो आज कोरबा में यात्रा है और कोरबा में एक स्थान के ऊपर रात्रि विश्राम के बाद कल वे अंबिकापुर की तरफ रवाना होंगे, यानी सरगुजा जिले में प्रवेश कर जाएंगे और कल अंबिकापुर में एक बड़ी यात्रा का उनका कार्यक्रम भी है और बड़ी यात्रा के साथ साथ एक जनसभा को भी वे वहां संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज जैसे उनको झंडे दिखाए गए तो उन्होंने उतरकर अभिवादन किया, फ्लाइंग किस दी और उनका ये जेस्चर वहां चर्चा का विषय बना हुआ है।